हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको जयपुर से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट रद्द हो गई है, इस बारे में हम अपने संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। एक लंबे अरसे बाद हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट हैं जो आज जयपुर से रवाना होंगी। ऐसी एक फ्लाइट है लगभग 9:20 पे एयर एशिया की, जो बेंगलुरु जाएगी। कुछ मुसाफिर हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा और आप कहाँ से? विकास द कांकरोली से, राजसमंद। तो विकास ये बताएं, कांकरोली के रहने वाले हैं तो बेंगलुरु कैसे जा रहे हैं? बेंगलोर में बिजनेस है, पापा मम्मी यहीं रहते थे, मिलने के लिए आया था। 15 तारीख को आया था, 15 मार्च को जी। उसके बाद में वापस 25 मार्च को जाने का था, वो सभी बंद हो गया उसके लिए, नीचे लॉकडाउन के कारण। मैडम आपका नाम जानना चाहूंगा, आप कहाँ की रहने वाली है? मैं बेंगलोर की ही हूँ। जयपुर कैसे आए थे या कहाँ आए थे? मेरा नाम रेखा है, मैं मेरी लड़की को लेके आई थी, दर्शन करवा, माता जी के दर्शन करने आई थी। तो 2.5 महीने से मैं भी इधर ही फंसी हुई हूँ। तो आपका घर वगैरह कहाँ है? हमारा घर इधर भीम में ही है। भीम में? हाँ, मेरी लड़की का ससुराल है, इधर इसको लेके आई थी, तो मैं भी इधर ही फंस गई। बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए एक और मुसाफिर है, हम उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नूर अहमद है। नूर अहमद? नूर कहाँ का रहने वाला है? मैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का हूँ। आंध्र प्रदेश। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी बैंगलोर जा रहा हूँ। जयपुर कैसे आ गए? जयपुर मैं काम से आया था इधर। कब आए थे? मार्च 2 तारीख को आया था। और कब से यहाँ फंस गए? मार्च मैं लगभग 25 तारीख को जाने वाला था, तभी लॉकडाउन हो गया, तब से यहाँ फंसा हुआ हूँ। तब से कहाँ थे आप? मैं सिकर पे था। सिकर में कोई है आपके? सिकर के मतलब मेरा जानकार वाला दोस्त मुझे एक रूम दिलाया, तो मैं उसको किराया बन के 2 महीने का तो घटा लिया। 1 महीना का तो मुझे थोड़ी मुश्किल से चलाना पड़ा, उसके बाद घर से मंगवा लिया 1 महीने का। तो अब इस फ्लाइट के लिए, ट्रैवल के लिए तो बहुत हो गया। अब सिकर से यहाँ आने के लिए मुझे किराया, सिर्फ कार का किराया 5,000 देना पड़ा, और यहाँ से फ्लाइट का तो ये 5-5.5 हज़ार में आ गया। फिर मैं बैंगलोर जाऊंगा तो वहाँ से कितना लेगा पता नहीं। तो नरेंद्र कुमावत भी रात 1 बजे से यहाँ हवाई अड्डे पर बैठे हुए हैं। अब हम अगर बात करें कि जयपुर से जो आज फ्लाइट है उनकी स्थिति की बात करें, तो देख सकते हैं हम, हालांकि कुछ फ्लाइट ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड बता रहे हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुणे की जो फ्लाइट थी 8:05 पर आने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। इसके अलावा सूरत जाने वाली फ्लाइट थी 5:45 पर, वो भी यहाँ कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा गुवाहाटी उदयपुर की फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं।